इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने फिर खूनी खेल खेला है। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 11 जवान शहीद हो गए हैं। हत्या के बाद नक्सली जवानों के हथियार भी लूटकर फरार हो गए, यह बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है, नक्सलियों ने जवानों के हथियार लूटे हैं, 11 जवानों के शहीद होने की खबर, और यह सब छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुआ है। सीआरपीएफ की पार्टी जिस पर यह हमला हुआ और 11 जवान शहीद हुए हैं। हमारे सहयोगी संजय शेखर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। संजय, इस हमले पर क्या जानकारी है आपके पास? रोड ओपनिंग पार्टी निकली हुई थी, जो वहां पर रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको सुरक्षा देने के लिए, और उसी दौरान चिंता गुफा के आसपास नक्सलियों ने पहले से ही घात लगाए। नक्सलियों ने पूरी पार्टी पर हमला बोल दिया, एम्बुश लगाया हुआ था और उसी एम्बुश में जवान जो है वो फंस गए। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 11 जवान शहीद हो गए हैं, इसकी पुष्टि एसपी ने कर दी है। 7 जवान बुरी तरीके से घायल है, जिनको रायपुर लाया जा रहा है हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर उनके इलाज के लिए, और बाकी वहाँ फोर्स जो है वो चारों तरफ से फोर्स जी। ठीक है, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। घात लगाकर नक्सली बैठे थे 11 सी